हेलो गाइस, कैसे हो आप? तो आज मैं रोग निदान के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, बेसिक पैथोलॉजी। इसमें टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे, जिसमें हम डेफिनेशन एंड डिवीज़न पढ़ेंगे, सेल अडेप्टेशन एंड सेल इंजरी, इन्फ्लामेशन, हीलिंग, एडिमा, शॉक, हेमरेज, थ्रोम्बोसिस, इम्बोलिज्म, इश्चिमिया एंड इन्फेक्शन। ये टॉपिक पढ़ेंगे हम यहाँ तक। और ये नोट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत सही हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं सिर्फ आपको ये नोट्स दिखाऊंगी, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना नोटबुक में। ये पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये इतने इजी नोट्स हैं और इतने मतलब इजी लैंग्वेज में आसानी से समझने वाले। ये देखो, मैं ऐसे स्लाइड कर रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। सेल इंजरी ये टेबल फॉर्म में दे रखी है कि सेल रिस्पॉन्स है, सेल ऑफ स्टिमुलस, ये टाइप्स ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स हैं। ये देखो, आई होप आपको ये समझ में आ जाए। ये इसमें आ गया, ये देख, ये टेबल फॉर्म में दे रखे हैं जो बहुत इजी रहेगा लर्न करने में। सेल अडेप्टेशन, कॉजेज, ये यहाँ पे एडिमा, टाइप्स ऑफ एडिमा कितने होते हैं, फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैटेगरीज कितनी होती है, फिर पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा, फिर से ये टेबल फॉर्म में है इजी में। फिर ये शॉक आ जाता है, आपको इस बार ये वीडियो क्लियर लगे। इसमें ये है कि नॉर्मल लैंग्वेज है, अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको नहीं तो बुक में ढूंढना पड़ेगा, कभी गूगल सर्च करोगे कभी कुछ निकलेगा। जैसे हम कंपाइलेशन वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, खो जाते हैं नोट्स जो भी हम बनाते हैं या समझ नहीं आते हैं, जैसे भी हैं। इसमें टेबल फॉर्म में भी दे रखा है और अच्छे से दे रखा है। ये अब हेमरेज आ गया, फिर इसके डिफरेंट पैटर्न आ गए, फिर थ्रोम्बोसिस आ गया, थ्रोम्बोसिस, फिर इबोलिज्म, फिर इश्चिमिया, इन्फेक्शन। आई होप आपको ये नोट्स समझ में आए। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। थैंक यू।